अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आ रही है कुवैत से, उसके हवाले से हम बात करेंगे। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत में छूट का फ़ायदा लेना चाहते हैं, या फिर किसी भी तरीके से आप कुवैत से आना चाहते हैं और इलीगल हैं, या फिर किसी भी तरीके से आपके साथ में कोई धोखाधड़ी सैलरी को लेकर या कुछ भी इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद होने वाली है। तो चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आप ज़्यादा दिन जो है नहीं रहे हैं, अगर आप छूट का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो फ़ायदा ले सकते हैं। यहाँ पर मिनिस्ट्री ने एक बार फिर अपडेट देकर बताया है कि जो भी लोग कुवैत के अंदर इलीगल लोगों की संख्या लगभग 1 लाख के करीब बताई जा रही है, कि जो लोग 1 लाख के करीब कुवैत के अंदर रहते हैं, इनके पास में सुनहरी मौका है इस महीने के अंदर अंदर, यानी कि इस महीने की लास्ट डेट तक जो है आपने फायदा लेना है। फायदा कैसे लेना है? आप कुवैत के अंदर रहना चाहते हैं तो वहां पे भी रह सकते हैं, कुवैत से आना चाहते हैं तो वहां पे भी आ सकते हैं। फायदा ये हो जाएगा, आप कुवैत से इस टाइम पे आएंगे, अपनी मर्जी से आ जाएंगे और कभी भी नया वीजा पे कुवैत में जा सकते हैं। और अगर वहाँ पे एकामा लगवाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप किसी से बात करके, जहाँ कंपनी हो, कफिल हो, कोई भी हो, तो आप बात कर लीजिए। उसके बाद में जो भी मिनिस्ट्री की टीमें हैं वो आपका पूरा प्रोसेस करेंगे और आपका एकामा भी लग जाएगा, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। लेकिन उसके लिए कुछ फीस आपको पे करनी पड़ेगी, वो फीस आपको देना ज़रूरी है। चाहे आप कुवैत को छोड़ें ना छोड़ें, फिर भी आपको फीस जो है वो देनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अब बहुत सारे लोगों के सवाल ये हैं कि अभी हमारे पास में टाइम है 2-4 दिन का, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इसके बीच में कमा लें और उसके बाद में हम आ जाएंगे, तो ये सही रहेगा या गलत रहेगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुवैत के अंदर अगर आप रहते हैं, अगर आप काम करते हुए पकड़े गए तो फिर आप झूठ का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि खुद आप गए तो आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये रहता है, क्यों छूट चल रही है, पकड़ भी गए तो छूट के हिसाब से हम छूट के आ जाएंगे या फिर अपना एकामा लगवा लेंगे, इतना पैसा ले लें। तो ऐसा नहीं है, कुवैत के अंदर अभी भी बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, चेकिंग हो रहा है, क्योंकि अभी एक अपार्टमेंट के अंदर, बेसमेंट के अंदर कुछ ऐसे नकली सामान मिले हैं जो कि मिलियनों के हिसाब से काम चल रहा था और लोग स्टिकर उनका लोकल लगा रहे थे और उनकी जो एक्सपायरी थी वो चेंज कर रहे थे, और जो ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनके स्टिकर लगा कर नकली सामान को मार्केट में उतार रहे थे। ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया है, और जो ऐसी बिल्डिंगें काम कर रही हैं जिनके बेसमेंट में ये सारे काम हो रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। तो अगर आप इस तरीके से कहीं पर भी कोई भी काम काज इस तरीके से कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि फिर आपको ये नहीं देखा जाएगा छूट चल रही है नहीं चल रही है, फिर आपको तुरंत जो है आपका काम हो जाएगा और उसके बाद में तुरंत आपको कुवैत से बाहर निकाला जाएगा। अगर बात करते हैं प्रोसेस की, तो इस टाइम ज़्यादा प्रोसेस नहीं लग रहा है, जो लोग कुवैत से आ रहे हैं 4 से 5 दिन के अंदर पूरा प्रोसेस कम्प्लीट हो रहा है और उसके बाद में कुवैत से लोगों को निकाला जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये इतनी जल्दी इसलिए हो रहा है क्योंकि कुवैत में जो छूट चल रही है उसके बिना पर यह प्रोसेस जो है वो जल्दी हो रहा है, पूरे तरीके से चीज़ों को कम्प्लीट किया जा रहा है। तो आपका भी अगर काम कराते हैं किसी भी तरीके से, तो ज़्यादा समय तक आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ, जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर आप कोई भी आप डिलीवरी ड्राइवर का काम करते हैं, चाहे वो बाइक हो या फोर व्हीलर हो, कोई भी इस तरीके का काम काज करते हैं, तो सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कुछ मसले ऐसे सामने आए हैं जो क्या ऑर्डर करने वाले लोग बियाबान जगहों में आप जो है लोगों को बुलाते हैं और वहाँ पर उनके साथ लूट खसोट करते हैं और उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अगर आप इस तरीके से कुवैत के अंदर रहते हैं तो इन चीज़ों पर अपने ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुवैत के अंदर भी लूटा खसोटी ये चल रही है और ज़्यादातर आपको मालूम है पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडिया, सभी तरीके के वहाँ पर लोग रहते हैं, तो हर तरीके का बंदा, हर कंट्री का बंदा सही नहीं होता, बहुत सारे लोग गलत भी होते हैं, तो इस तरीके से आपके साथ गलत कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने काफ़ी ज़्यादा ध्यान देनी है अगर किसी भी तरीके से आप डिलीवरी का काम करते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुवैत के अंदर बहुत सारे लोग अपना सिविल आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं, जो लोग ऑलरेडी पहले से काम कर रहे हैं उनके एक्सपायर हो चुके हैं, तो क्या वो बनवा पाएंगे? बिल्कुल, आप अपना एक्सपायर होने वाला हो या फिर हो चुका है तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिविल आईडी कार्ड बन जाएगा। अब यहाँ पे लोगों के सवाल ये हैं कि हम 4 दिन 5 दिन ऊपर हो गए तो क्या हमें फ़ाइन देना पड़ेगा? बिल्कुल, आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, बिना फ़ाइन के आपका काम नहीं होने वाला है, इस चीज़ का खास करके ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब काम चल रहा है प्रॉपर तरीके से, सारी चीज़ें चल रही हैं और बिना फ़ाइन के आप सोच रहे हैं काम हो जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और आपने फ़ाइन पे करना पड़ेगा तभी आपका जाके काम होने वाला है। आप जल्द से जल्द अपना काम जो भी है 2-4 दिन 10 दिन आपके ऊपर निकल चुके हैं, तो वो काम आप जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि तभी आपका काम जल्दी से जल्द हो पाएगा, और जितना ज़्यादा समय आगे तक लेंगे फिर आपके काम में फ़ाइन भी आप पर पड़ेगा, जुर्माना वगैरह, फिर आपके काम में भी देरी हो सकती है।
बात कर लेते हैं यहाँ पे चेकिंग के हवाले से। एक बड़ी खबर आ रही है निकल के, कुवैत एयरपोर्ट पे चेकिंग और निगरानी काफ़ी ज़्यादा की जा रही है लोगों की, क्योंकि कुछ सामान ऐसे हैं जो कि एयरपोर्ट पे कुवैत के अंदर लाना इलीगल है, लेकिन फिर भी लोग कुवैत में लाते हैं और उसके बाद में उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो कुवैत के अंदर अगर आप रहते हैं या फिर किसी को बुला रहे हैं या फिर जाना चाह रहे हैं, तो कोई भी ऐसा सामान कुवैत के अंदर ना लेकर जाएं जो कि कुवैत के अंदर बैन है। और ऐसे ही बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, चाहे वो गुटखा हो, बीड़ी, तम्बाकू, सिगरेट वगैरह कुछ भी इस तरीके का, या फिर नशे के सामान जो भी हों, जो पूरे तरीके से नशे वाले सामान रहते हैं। तो ऐसा सामान आपने कुछ नहीं लेकर जाना है, क्योंकि अगर ऐसा सामान आप लेकर गए तो फिर आपके ऊपर हो सकता है सख्ती की जाए और फिर आपको जेल में भी डाला जा सकता है और आपके ऊपर बड़ा फाइन लग सकता है। ध्यान रखिएगा, कुछ अगर आपने लाखों करोड़ों की आप स्मगलिंग वगैरह करते हुए पाए गए तो फिर आपको सजाए मौत भी हो सकती है, आप अपनी जिंदगी से हाथ धो सकते हैं, चीज का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कुवैत के अंदर इस टाइम पे गर्मी काफी ज्यादा पड़ रही है, तो इस चीज को देखते हुए जो भी डिलीवरी ड्राइवर का काम करते हैं तो सुबह 11 से लेके उनके शाम को 4 बजे के बीच में वो लोग काम नहीं कर पाएंगे। अगर किसी भी तरीके से आप लोग काम करते हुए पाए गए तो आपके ऊपर तुरंत फाइन लगेगा और आपकी कंपनी के ऊपर एक्शन लिया जाएगा और हो सकता है उस बीच में आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और ये सारे कानून जो बने हैं लोगों की सेफ्टी के लेकर बने हैं, जो वर्कर वहां पे काम करते हैं उनकी सेफ्टी से रिलेटेड हैं और उनकी सेफ्टी को देखते हुए ये सारे कानून बनाए गए हैं। क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा हो रही है, 50+ टेम्परेचर जा रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं इतने टेम्परेचर में, इतने हाई टेम्परेचर में जो लोग वहां पे काम करते हैं उनकी काफी ज्यादा जान को जोखिम है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऐसे ही जो भी लोग किसी भी तरीके से खुले में काम करते हुए पाए गए, जो बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं या फिर कोई और भी काम करते हैं खुले में, तो वो लोग भी नहीं कर पाएंगे 11 से लेकर शाम को 4 बजे के बीच में। अगर आप शाम को 4 बजे के बीच में काम करते हुए कहीं पे भी खुले में पाए गए और पुलिस वालों ने देख लिया तो फिर आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, हो सकता है आपकी कंपनी के ऊपर भी एक्शन लिया जाए। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, किसी भी तरीके से आपने लापरवाही नहीं बरतनी है, और किसी भी तरीके से आप लापरवाही करते हुए कुछ भी ऐसा करते हुए पाए गए तो फिर आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। अब लास्ट में बात कर लेते हैं फ्लाइट के हवाले से, जो लोग फ्लाइट लेना चाहते हैं तो क्या फ्लाइट के प्राइस जो है वो इंक्रीज हुए हैं या फिर डिक्रीज हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मौसम जो है नॉर्मल है, इसमें कोई भी ऑफर वगैरह अभी नहीं निकाला है कोई भी एयरलाइंस की तरफ से। जब ऑफर वगैरह निकलेगा, ईद का मौका आएगा, अगले रमजान का मौका आएगा, तो उस टाइम पे काफी ज्यादा फ्लाइट के प्राइस जो है वो डाउन हो जाते हैं और ऑफर वगैरह फायदा आप लेंगे तो उसके हिसाब से आपको काफी ज्यादा उसका बेनिफिट मिलता है। तो अभी आप फ्लाइट लेना चाहते हैं तो जो साल के 12 महीने नॉर्मली चलती है तो वही प्राइस है, बस 19-20 का थोड़ा फर्क हो सकता है, मतलब 1-2 हजार रुपए का फर्क हो सकता है, लेकिन ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी कुवैत से रिलेटेड जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, चाहे वो आप अपने व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक अकाउंट पे करें या फिर कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पे करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। कमेंट में अपनी राय बताएं, कोई आपको परेशानी है तो वो भी बता सकते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कैसे आपको उसकी परेशानी का सलूशन मिलेगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।